सर्कुलर रोड स्थित गोपालधाम गौशाला में गौ सेवा समिति की ओर से अध्यक्ष विजय पासी की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विशेष तौर पर खोसला परिवार उपस्थित हुआ, जिसमें प्रतिभा खोसला एवं युवराज खोसला के जन्मदिवस पर गौशाला को गौ सेवा समिति के लिए राशि भेंट की गई। समिति द्वारा गाँव की सेवा हेतु किए जा रहे कार्यों की सराहना की गई। उन्होंने कहा कि वह अन्य लोगों को भी इस नेक कार्य हेतु जागरूक करेंगे। इस अवसर पर समिति अध्यक्ष विजय पासी ने कहा कि गौशाला में निस्वार्थ भाव से गाँव की सेवा की जा रही है तथा इस कार्य में शहरवासियों द्वारा अपना पूरा सहयोग दिया जा रहा है। अज गोपाल धाम गौशाला दे विच बड़ा खुशी का दिन है कि अज मिसेज प्रतिभा खोसला और युवराज खोसला अपना बर्थडे सैलीब्रेट करने वास्ते गोपाल धाम गौशाला चाहे। मैं परम पिता परमात्मा अगे और गौ माता अगे ये बेनती करदा कि परमात्मा इन्हों तंदुरुस्ती देवे, लंबी उम्र देवे और इसी प्रकार गौ माता की सेवा करते हैं। वैसे तो हर महीने सानू गौ माता का कुछ ना कुछ सहयोग करते हैं, लेकिन अजय अपना बर्थडे मनाने वास्ते इत्थे आए। मैं पठानकोट के लोगों नूं बार बार एक प्रार्थना करदा कि घर च कोई भी खुशी का मौका होवे ते गोपाल धाम गौशाला जाके मनाओ। एक तो गौ माता का आशीर्वाद मिलता, एक 33 करोड़ देवी देवतां का आशीर्वाद मिलता। गौ माता बहुत ही अंतरयामी है, तुहाडे सारे दुख दर्द दूर करती है। जिदा करोना की बीमारी चली हुई है, जिहड़े लोग इत्थे गौ माता की आके सेवा करते हैं करोना की बीमारी उन्हां तों हमेशा ही दूर रहिंदी है। मैं एक बार फिर पठानकोट के लोगों का भी बहुत धन्यवाद करदा जिन्हां दे सहयोग नाल ये गोपाल धाम गौशाला चल रही है और असी गौ माता की बहुत अच्छी तरह सेवा कर रहे हैं। मैं बार बार एडमिनिस्ट्रेशन नूं इक्को ही रिक्वेस्ट करदा कि साडे कोल जगह की बहुत ज़्यादा कमी है, सानू कोई ना कोई नाल लगती जगह दिती जाए ताकि असी गौ माता की होर भी अच्छी तरह सेवा कर सकें। जय गौ माता की जय। गौ माता आज मैं अपने और अपने बेटे युवराज खोसला के जन्मदिन के उपलक्ष्य में यहाँ गौशाला में आई हूँ। हमने यहाँ गौशाला में आके गौ माता का आशीर्वाद लिया और साथ ही साथ एक दिन के चारे के लिए उनके लिए धनराशि दी है। गौशाला में आके मन को बहुत शांति मिलती है और साथ में यहाँ देख के बहुत अच्छा लगता है कि गौशाला में बहुत अच्छे से गौ माता की सेवा की जाती है, उनको चारा खिलाया जाता है, उनके स्वास्थ्य के और उनके लिए सारे अच्छे से इंतज़ाम किए गए हैं। मैं सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि जब भी आपके घर में कोई शुभ दिन हो तो यहाँ आइए, यहाँ आके गौ माता का आशीर्वाद लीजिए और उनकी सेवा।